Hey everyone, welcome back to my channel. I'm Faraha Yasir from Faraha Yasir Official. कैसे हैं आप? इंशाल्लाह खुश शाद और आबाद होंगे अपनी अपनी ज़िंदगियों में. आज की जो एनर्जीज हैं वो 36 आवर्स के लिए हैं फॉर मैरिड सेपरेट हु इज़ डीलिंग विद एन अनदर पर्सन जो भी हो सकते हैं लव पार्टनर जिनके हैं. सिंगल्स के लिए रीडिंग नहीं होगी तो आप लोगों के लिए मेरे चैनल पे और भी बहुत सारी रीडिंग्स होती हैं, यू कैन गो एंड चेक देयर. बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोग मुझे टिकटॉक इंस्टाग्राम यूट्यूब हर जगह पे इतनी मोहब्बत दे रहे हैं, इतना प्यार कर रहे हैं. सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया. यही मोहब्बत है जो मैं आपकी वजह से यहाँ पर हूँ और हमेशा जब तक आपकी खिदमत करती रही आती रहूँगी. ठीक है, आपकी तरफ फर्स्ट कार्ड देख लेते हैं. किसको कोई बैड न्यूज़ मिले अगर तो बताना. ब्रेक थ्रू नज़र आ रहा है, सडन चेंज मैजिक की वजह से डिवाइन इंटरवेंशन आ रही है किसी तरीके की. ठीक है, ये ट्रांसफॉर्मेशन भी हो सकती है पॉजिटिविटी की तरफ भी और नेगेटिविटी की तरफ भी. बिकॉज दो सिचुएशंस, या तो आपकी कोई डिज़ायर है जो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी सडनली, या आपको होप ही नहीं है कि वो पूरा होगा, या तो फिर वो डिज़ायर डिवाइन इंटरवेंशन की वजह से पूरा हो जाएगा. कुछ हो सकता है वर्स वर्सा. सो प्राइवेट रीडिंग्स हर हमेशा प्रॉफिटेबल. ठीक है, कोई बैड न्यूज़ सिर्फ हेल्थ हो सकती है, हेल्थ रिलेशन में हो सकता है. कोई एडमिट है या किसी की तबीयत ख़राब है, किसी बड़े की आपके घर में या बच्चे की, किसी जानने वाले की, या किसी की डिवोर्स हो रही है, या किसी की बहुत बुरा झगड़ा हो गया किसी हस्बैंड एंड वाइफ में, आपको न्यूज़ मिल रही है या आपके घर में हो सकती है ये चीज़. यानी जो चीज़ डिवोर्स तक जा रही है, यानी दो लोग अलहदा हो रहे हैं, मे बी आप भी हो सकते हैं. ठीक है, देन वी हैव समवन ऑफ कप्स, देन वी हैव किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड लास्ट ओ फाइव ऑफ कप्स. ओवरऑल एनर्जी क्या है? ओहो, किंग ऑफ पेंटिकल. अच्छा मूड नज़र नहीं आ रहा मेरे व्यूवर्स का आज के दिन. फेयर की एनर्जी है लव लाइफ को लेकर, पेनफुल एनर्जी नज़र आ रही है. जो यूनियन में है उनकी बात नहीं करी, उनकी तो बहुत हाई है, ऑब्वियस है. बट जो यूनियन में नहीं है, जो उनकी वाइफ है और उनकी जो वाइब्स हैं, वो बहुत ज़्यादा ध्यान देना है आपको कि आपका किसी पर्सन के साथ, अपनी फैमिली के या आपकी फैमिली के साथ या उनकी फैमिली के साथ कोई झगड़ा ना हो जाए बहुत बड़ा, जो आप दोनों की वजह से, उन जिनकी वजह से आप में भी प्रॉब्लम हो सकती है. मैरिड लाइफ लव लाइफ ख़राब होती हुई मुझे ना हो, लेकिन मेरी दुआ है कि, लेकिन नज़र आ रही है ध्यान देने की ज़रूरत है. अच्छा, अनमैरिड कपल्स हैं तो अपने आप को ध्यान में. अच्छा, जो ये रीडिंग्स होती हैं ना जिसमें कभी गुड न्यूज़ मिलती है कभी बैड न्यूज़ मिलती है, अगर टाइम से पहले अगर आपको कुछ पता चल जाता है तो अकलमंदी क्या है? ये ना लिखें कि नहीं ऐसा नहीं होगा ऐसा नहीं होगा. आप ये लिखें कि जब मुझे कुछ ऐसी सिचुएशन आए तो मुझे समझाना है, क्योंकि मैं आपको एडवाइस भी देती हूँ साथ में. ओके, थैंक यू. कंट्रोल में रखना है ड्राइव करते हुए, खुसूसन फैमिली के साथ अगर ड्राइव कर रहे हैं थोड़ा ज़्यादा मोहतात रहिएगा. बिकॉज कुछ हमट के साथ आया है तो कुछ फैमिली डिस्कशन का डे नज़र आ रहा है मुझे. डिस्कशंस रिलेशन में आते हुए, करियर, फैमिली बाउंडिंग, कैरियर कुछ सॉल्व करते हुए आप मुझे नज़र आ रहे हैं, बैठते हुए नज़र आ रहे हैं. कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सडन चेंज का दिन है, कुछ डिवाइन इंटरवेंशन होगा बहुत बड़ा, या फिर ऐसी कुछ सिचुएशन आ सकती है कि जिसमें बहुत अच्छी ना हो. बिकॉज हमट ओके ख़त्म हो जाना लव लाइफ में, फिर ये कार्ड सारे खुद पोल हुए नहीं हूँ. ब्रेकअप सिचुएशन एंड भी हो सकता है अगर कुछ पॉजिटिविटी है. ब्रेकअप सिचुएशन भी एंड होती हुई नज़र आ रही है अगर आपने किसी बुजुर्ग की हेल्प ली हुई, किसी से रीडिंग करवाई हुई है, सोल्यूशन कर रहे हैं तो पॉजिटिविटी हो सकती है. मेंटल कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा नज़र आ रहा है हार्ट ब्रेक के साथ, थर्ड पार्टी सिचुएशन नज़र आ रही है बहुत ज़्यादा. ठीक है, इफेक्ट करती हुई नज़र आ रही है. साथ ही साथ अगर आप सिंगल हैं तो आज के दिन आपको हेल्थ का इशू नज़र आ सकता है. ड्राइव कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है. अगर आप कोई न्यू व्हीकल ख़रीद रहे हैं तो यहाँ एहतियात करने की ज़रूरत है. ठीक है, सपोर्ट मिलता हुआ नज़र आ रहा है. फैमिली का कुछ चीज़ अगर बाय करने का सोच रहे हैं तो बहुत अच्छा वीक होगा, मगर उसके साथ आपको सदका खैरात. और आई थिंक आप लोगों ने अगर हमारा ऑरा क्लेंजर नहीं लिया है तो यू शुड बाय दैट, क्योंकि उससे नेगेटिविटी रिमूव होती है. ठीक है, दैट्स इट.
अगर आपके पापा हैं और आपके कोई आप किसी आर्मी पुलिस में डॉक्टर हैं या किसी भी यूनिफॉर्म रिलेटेड हैं, एनवायरनमेंट ख़राब हो सकता है आपके, यानी कोई भी आपके घर में आकर कहेगा कि यार मेरा आज ऑफिस में अच्छा दिल नहीं लगा, हो सकता है कुछ भी ऐसा हो सकता है कि जिसकी वजह से आप टेंस हो जाएंगे अचानक, ठीक है। 3 डेज की एनर्जी है ये, लेट्स सी कि आपके पर्सन की एनर्जी क्या आ रही है। ओ सेकंड प्रेजेंट, देन वी हैव स्पार्क ऑफ डिवाइन अबंडेंस, ओके। 5-5 विद द डेविल, रिलीज द हीलर, बैलेंस, स्पार्क ऑफ डिवाइन, बर्गंडी, अबंडेंस, ओवरऑल एनर्जी के लिए। ओहो, 5 कपल की एनर्जी आई है, इमोशनल लॉस्ट। अगर आज के दिन आप मैरिड हैं तो अनमैरिड हैं तो भी इनकी फैमिली की वजह से कोई प्रॉब्लम है आपकी या उनकी, ठीक है। फैमिली इनकी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है, इनकी इनकी पर्सनल मैटर में इंटरफेयर कर रही है, राइट, सोसाइटी में इंटरफेयर बहुत कर रहा है। अगर ये मैरिड है तो इनके मैरिड लाइफ में कोई ना कोई अच्छा नज़र नहीं आ रहा, अगर झगड़े हो सकते हैं, लड़ाई हो सकती हैं, टॉक्सिक बिहेवियर हो सकता है किसी की, क्योंकि रीडिंग की शुरुआत हुई है वो अच्छी नहीं हुई है, ठीक है। अगर प्लस कोई स्पेल या ब्लैक मैजिक हुआ है, बिकॉज मैजिशियन से स्टार्ट है, कोई करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। इनको ऐसे फील हो सकता है कि इनके साथ कुछ गलत कर रहा है या कुछ हो सकता है, या मेरे साथ नसीब का प्रॉब्लम चल रहा है, यू नो, कि हर चीज़ ख़राब होती जा रही है, पर्सनल प्रोफेशनल कोई चीज़ पॉजिटिविटी में आ ही नहीं रही है, ठीक है। या जॉब पर बहुत कुछ लॉस हो सकता है, लॉस की एनर्जी भी ज़्यादा नज़र आ रही है, स्ट्रेस बहुत हो सकता है, घर में झगड़ा लड़ाई हो सकती है, ठीक है। बिकॉज पॉज की एनर्जी आई है हर चीज़ को, अबंडेंस को लेकर आई। अपने ही घर में किसी को नीचे दिखाने की कोशिश कर सकते हैं आप, हो सकती हैं अपनों ही सबसे ज़्यादा हीटेड आर्ग्यूमेंट हो सकती है इनकी और आपकी वर्क प्लेस पे। यही वाली एनर्जीज इनकी तरफ भी आई है, नज़र की बेसिकली बहुत ज़्यादा वाइब है आपकी और आपके पर्सन की। टेंशन की वजह से अगर आपके पर्सन अल्कोहल है, स्मोक करते हैं, कुछ नेगेटिविटी की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं, या आप पे फ्रस्ट्रेशन निकाल सकते हैं कांटेक्ट में है, तो प्लीज़ ज़रा मुहताज रहिएगा। और अगर गुस्सा करें तो उनको दिल में ना लीजिएगा और उन्हें फ़ोन कट करके साइड हो जाइएगा, राइट। ऐसे सिचुएशन हो तो साइड कर लीजिएगा अपने आप को, और फिर 24 आवर्स के पास 36 आवर्स तक थोड़ा शांत रहिएगा। और अगर आप देखें कि जी 36 आवर्स के अंदर भी इनकी एनर्जी सही नहीं हो पा रही, तो आप रीडिंग ले सकते हैं, रीडिंग के साथ आप हीलिंग स्पीड करवा सकते हैं, या कोई अच्छा कोई वजीफा या स्पेल ले लीजिए जिसकी वजह से। क्योंकि अगर थर्ड पार्टी ज़रूरी नहीं है कि देर इज़ अ वुमेन, देर इज़ एनी काइंड ऑफ थर्ड पार्टी जो कि आपकी ज़िंदगी को डिस्ट्रॉय कर रही है, राइट। अगर अब हम देखें कि वो इन डीप आपके लिए क्या इमोशंस रखते हैं, मुंह पे बड़े जितने भी कड़वे करेले हों, इन डीप में क्या है आपके लिए, लेट्स सी डिवाइन एनीवन कार्ड फॉर माय व्यूअर्स। मैं जब एक मांगती हूँ तो दो क्यों आते हैं, इंटेंस। आई सेड ना कि कुछ बहुत इंटेंस होने वाला है, ये कंफर्मेशन हो गई है। और यिंग यांग की एनर्जी है, जैसे मैंने आपको एडवाइस दिया है कि अगर कुछ ऐसा फील हो कि नेगेटिव होने वाला है तो पॉजिटिव को सोचते हुए साइड हो जाइएगा। लेकिन सबसे बेहतर ये कि अपनी आप रिलेशनशिप की हिसारबंदी करवा लीजिए, इट इज़ रियली प्रेफरेबल, अदरवाइज यू विल फील लॉस इन सम टाइम। और बेहतर और अक्लमंद इंसान वही होता है जो नेगेटिविटी को पहले से भांप ले और उस टाइम आने से पहले एहतियात कर ले। क्योंकि जो बेवकूफ़ लोग होते हैं ना, वो खड़े होकर कहते हैं, अच्छा मेरे पास कुछ लोग अक्सर ऐसे भी आते हैं, बच्चियाँ ऐसी भी आती हैं, मैं कहती हूँ मैम जी मेरा पर्स और निकाह है, तो मैं उनके केसेस नहीं लेती, मैं कहती हूँ भाई आई कॉन्ट हेल्प यू इन दैट ना, क्योंकि अगर पर्स और निकाह है तो वट कैन आई डू इन दैट, मेरे पास कोई मैजिक तो है नहीं। हम लोग नूरानी और इल्मी और स्पेल्स इस तरह से होते हैं, दैट विल इट विल टेक टाइम, सो यू आई कॉन्ट हेल्प यू इन दैट। तो प्लीज़ वो और जो है ना नौबत आने से पहले संभल जाइए कि ख़राब हो जाए, तलाक हो जाए, फिर आप अक्सर लोग कहते हैं जी एक तलाक दे दिया अब क्या करना है, तो डोंट कम, इस टाइम पे आने का कोई फ़ायदा नहीं है आप लोगों के। तो मोहतात रहें, खुश रहें और क्लेम करते रहें। थैंक यू सो मच।